और दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के लाइब्रेरी में पानी भरने से मरने वाली छात्रा श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली है। साथ ही श्रेया यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव की भतीजी भी हैं और इस हादसे में कुल 3 छात्रों की मौत हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं मनीष अंबेडकर नगर से। मनीष, जो हादसा हुआ है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, लापरवाही है ये एक पड़ी, ये भी स्टूडेंट्स की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। आप इस वक्त अंबेडकर नगर में मौजूद हैं, जिस स्टूडेंट की मौत हुई है वो भी अंबेडकर नगर की रहने वाली है, परिवार में कैसा माहौल है और साथ ही क्या अब पूरे मामले को लेकर परिवार की तरफ से भी जांच की मांग की जा रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि मैं अंबेडकर नगर के उसी छात्रा के घर पर मौजूद हूं। घर पर पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। परिजनों का कहना है कि बच्ची काफी होनहार थी, उसने सुल्तानपुर के केनाई विद्यालय से बीएससी करके तैयारी करने गई थी। अभी मई में ही उसका एडमिशन दिल्ली में कराया गया था। परिजनों का ये मानना था कि बच्ची होनहार है, कहीं ना कहीं आईएएस बनने का सपना था और परिजनों के और जिले का नाम रोशन करने का सपना था, लेकिन उन परिजनों का सपना टूट गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उनका भाई भी मौजूद है, लेकिन बात अभी बात नहीं हो पा रही है, बच्चा अंदर है। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने। ये बताइए, श्रेया यादव को आप जानते थे? जी सर। कैसी लड़की थी? अरे बहुत अच्छी लड़की थी, टैलेंट थी, लेकिन उसके गुजर जाने से तो बहुत तकलीफ रहा। कब सूचना मिली आप लोगों? अभी अभी। क्या हैं आप बच्ची? जी हम तो गाँव के हैं। तो बच्ची पढ़ने में अच्छी थी? जी। कब गई थी पढ़ने, कुछ जानकारी आपको? नहीं सर, हमको जानकारी नहीं। तो अब क्या मांग कर रहे हैं परिजन? अभी मांग तो यही है कि अगर जो दोषी हों उनको दंड दिया जाए। लाइब्रेरी में जिस तरीके से मौत हुई उसकी पानी भरने से, वो जिम्मेदार हों वो लोग, उनको दंड मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर इनके परिजनों का भी यही कहना है कि जो भी आरोपी हो, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां सामने आ रही हैं, बिल्कुल इसके पीछे अब कई सारे सवाल जरूर हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।